सादा पेटा है। अच्छा, सादा केसर हनी वाला है, केसर पेटा हनी वाला। ये है सादा पेटा, चीनी में, ये शक्कर में बनता है, ये हनी में बनता है, केसर हनी। अच्छा, हनी के अंदर। ये आगरा का फेमस है अंगूरी पेठा। अंगूरी पेठा, ये केसर अंगूरी है, केसर में और हनी में बनता है। कोकोनट अंगूरी है, कोकोनट में और मिल्क में बनता है। ये मिक्स अंगूरी है, इसके अंदर फोर फ्लेवर मिक्स आते हैं। ये पान पेटा है, बटर स्कॉच पेटा। थोड़ा बताइए बनता कैसे, जैसे ये बनता कैसे? ये फ्रूट से बनता है, फल आता है इसका। ये कौन सा फल होता है? पेटा फल होता है इसका नाम। अच्छा अच्छा। और इसमें हनी वगैरह डाले जाता है, केसर हनी फ्लेवर डाले जाता है। तो ये रेट क्या रहता है इसका? नहीं, टेस्ट में बाद में कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या रेट रहता है? जैसे एक डब्बे अलग अलग है, 150 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है, ये 250 रुपये किलो है। अच्छा, 300 रुपये किलो है, 250 रुपये किलो है, ये 200 रुपये किलो है। अच्छा, ये सब 200-200 रुपये किलो। तो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे नॉर्मल पेटा ये शक्कर में बनता है, ठीक है, सादा होता है, सूखा ड्राई, ठीक है। और जो हनी में बनता है, चाशनी वाला होता है। अच्छा, ये अंदर है। अच्छा अच्छा। और ये ड्राई है, सीधा केसर का ड्राई। तो ये आगरा का आप जैसे बताते हैं कि पेठा बड़ा फेमस है, तो सबसे ज्यादा फेमस वाला आप ये बता रहे हैं, ये वाला है? ये दोनों अंगूरी पेठा आगरा का फेमस, ये दोनों। अच्छा, दोनों ही फेमस है। ये दोनों, ये वैरायटी पान है, चॉकलेट, ये सब अलग अलग वैरायटी है। सादा वाला हर जगह पे मिल जाता है। हाँ, वो तो हमारे राजस्थान में मिलता है, नहीं मिलेगा वो अंगूरी। तो सर, ये क्यों फेमस, आगरा का ही क्यों फेमस है, कुछ बताओगे आप इसके बारे में? आगरा का फेमस है, बहुत पहले से बनता आ रहा है आगरा में पेठा, मुगलों के टाइम में। अच्छा, उस टाइम का, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या मिक्स होता है? जैसे एक तो जैसे ये बताया आपने, हनी मिक्स होता है, और क्या जो एक फल होता है? फल होता है, फल से बनता है पूरा। तो फल कैसे बनाता, प्रोसेस कैसे बताओगे थोड़ा बहुत, कैसे बनता होगा ये? फल को काट के बनाते हैं, जैसे को काटा जाता है, फिर उसमें चूने के पानी से उसकी धुलाई होती है। अच्छा, उसकी खुदाई होती है चाकू की तरह। अच्छा, हाँ, ये सारा सब बिल्कुल करके फिर उसको शहद में जैसे बनाना हो तो शहद से बनाया जाता है, चीनी से बनाया जाता है, चीनी के डाला या कोकोनट, मतलब। तो सर, आपने बताया चूने के क्या करता है? पानी, चूने के पानी, पानी से धुलाई होती है। तो फिर वो नुकसान नहीं करता सर? वो नहीं, फिर और उसके अंदर और भी डाल के आते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आगरा के अंदर क्या फैक्ट्रीज है या कैसे? फैक्ट्रीज है आगरा के अंदर, है ना, ठीक है। वहीं से तैयार हो गया था। अच्छा अच्छा, ये ब्रांड है। अच्छा अच्छा, ये आगरा के अलावा। हाँ, ये जो प्रोडक्ट है हमारे सब जगह मिलेगा, ये तो सारा सब जगह मिल जाता है। बाकी तो ये कहीं नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलेंगे। और अलग अलग फ्लेवर में, जैसे आम कोई मैंगो का फ्लेवर भी ले सकता है। ये कौन सा फ्लेवर है? ये मिक्स है, इसमें फोर फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, केसर है, कोकोनट है, पान है। अच्छा, तो ये क्या है? ये बटर स्कॉच। ये भी इसी का ही पार्ट है, पेटा ये। तो ये इसमें क्या मिक्स किया है? इसमें रबड़ी लगा होता है ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पेटे का हलवा है। अच्छा, पेटे का हलवा भी बनता है यहाँ पे? पेटे को कद्दू का करके बनाया था, गाजर के लिए बनता है, वैसे पेटे का हलवा बनता है। अच्छा, और ये सोन पापड़ी लग रहा है, ये उसी का पेटे का नहीं, 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 ये नमकीन और ये ब्रांड अलग हो गया। हाँ, ये तो ये गजक है। अच्छा, ये कौन से पार्ट है? ये सब इधर दिखा दिए, ये सब। अच्छा, इसी में ही है ये आपका होगा पेठे का हलवा, ये पान के फ्लेवर में। ये कौन सा फ्लेवर है? चॉकलेट फ्लेवर भी मिलता है यहाँ का पेठा। और तो ये पेठे का हलवा क्या रेट पड़ता है? ये वाला 200 रुपये का, 200 रुपये के जी, नहीं पैकेट, पैकेट। और ये 300 रुपये किलो, ये 300 रुपये। अच्छा अच्छा, तो आप बता रहे हो सदियों से फेमस है, मतलब मुगल काल से भी फेमस है ना? बहुत पहले से फेमस। और आपका फिर ये आपका खुद का ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर कैसे आप? पंची वालों की उसमें बनता है। अच्छा, पंची मार्केट में बंद है। तो सर, ये एक समझ नहीं है, पंची मार्केट, पंची का पेठा क्यों बोलते हैं इसको? पंची ब्रांड, पंची, अच्छी पंची कंपनी, इसलिए वो ब्रांड। बाकी नाम तो आगरा का पेठा ही है ना, पेठा, पेठा ही नाम जो है। ये सबसे बेस्ट है। हाँ 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 हाँ। और ये हेल्थ के लिए क्या फायदा इसमें, जैसे हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है इसमें? हेल्थ के लिए तो बहुत बेस्ट है। जैसे कि, जैसे आपको एक टाइम में 5 kg खाना है और खा सकते हैं, पर ये नुकसान नहीं कर रहा है मुंह में। जो कुछ चीज़ें जैसे शक्कर खाते हैं मुंह में आ जाता है, मतलब कि नहीं, अब नहीं खा सकते, जैसे मावा खाते हैं या केक खाते हैं, तो ये खाने से मतलब वो नहीं लगेगा कि यार नहीं, अब बहुत हो गया, मीठे मीठे लगते हैं मुंह को, होता है ना वो। जैसे हमारी कैपेसिटी है 1 किलो खाने की, तो ये नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। ये तरी होता है, ठंडक देता है, फल से बनता है। जैसे आपने सब्जी खाई है काशी फल, हाँ हाँ, उसी से मिलती जुलती पेठा होता है। मतलब मिठाई से बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि मिठाई आप 2 पीस से ज्यादा नहीं खा सकते। मिठाई से अलग है, मिठाई नुकसान कर जाएगी आपको। हाँ, 2 पीस से ज्यादा नहीं खा पाओगे आप। जैसे आप 250 ग्राम बर्फी खा लेना या गुलाब जामुन खा लोगे तो नुकसान कर जाएगी। जिसे 5 किलो खा लेना आप, एक बंदा 5 किलो खाने की कैपेसिटी हो, नुकसान नहीं करेगा उसके अंदर, खास बात। तो इसको हम कहेंगे आगरे का पंची पेठा, पेठा। अच्छा, आगरा का पेठा बोल दो। और ये पंची तो ये ब्रांड है ना? ब्रांड। अच्छा अच्छा।
चीज़ का फ्लेवर तो इस पान का है ना, पान का फ्लेवर आ रहा था, लेकिन चीज़ ये है ना, खुशबू तो देखो एक बार, उसमें ड्राई फ्रूट और गुलकंद भरा होता है अंदर, और जो ओरिजिनल है जो हनी में बनता है, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, नहीं सर एक पीस एक एक पैकेट कर दीजिए, पान पान का फ्लेवर, तो काम करो जी मिक्स वाला दे दो उसमें एक, हाँ चलो ये पान और एक चल, नहीं फिर पान ये कर दो, ये कर दो, जैसे कि इसमें केसर वाला है, ये कोकोनट वाला है, स्ट्रॉबेरी है, अच्छा मिक्स है ये, इसमें चार फ्लेवर, पान नहीं है, पान का अलग से ले लो सर, ये की कर दो आप फाइनल, एक मिक्स वाला सर, बस एक सवाल और मैं पूछना, जैसे मान लो आप तो चलो डिलीवर नहीं करते हो, लेकिन मान लो कोई साउथ में किसी को और किसी को दूसरे आगरा की शॉप से डिलीवर करवाना है तो कैसे करेंगे, कैसे कांटेक्ट होता फिर वो साउथ के लोगों को लेना है, मान सो आजकल सब ऑनलाइन होता है ना, जैसे किसी को साउथ में बैठा है बेंगलोर में उसको लेना है यहाँ का ये चीज़ लेनी है, तो कैसे कॉन्टेक्ट कैसे लेते हैं फिर, कैसे जाए कैसे लेना होगा वो, आगरा में एक मार्केट है, बड़ा मार्केट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नूरी दरवाजा, नूरी दरवाजा, नूरी दरवाजा मार्केट, उसे डालो वो नंबर डाल दे, अच्छा वहाँ पे नूरी वेबसाइट पे भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, नूरी दरवाजा, नूरी दरवाजा, तो नूरी दरवाजा से कोई भी मतलब वहाँ पे शॉप के नंबर मिल जाएंगे, वहाँ सर वहाँ से खरीद सकता है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।